टोल प्लाजा हटाने को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री और प्रदेश सरकार ने मंत्री के मंत्री आमने सामने हो गए। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने केंद्रीय राज्य मंत्री के पत्र का जवाब देते हुए कहा कि फतेहपुर और अहरोरा के टोल प्लाजा मानक के अनुरूप है। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर फतेहपुर और अहरोरा के टोल प्लाजा के बारे में कहा था। जनता की मांग है कि इनमें से एक को बंद कर दिया जाए, इससे जनता को परेशानी हो रही है। इसी के साथ ये भी कहा था कि यदि समय हो गया हो तो इन मार्ग को टोल फ्री कर दिया जाए। इस पत्र के जवाब में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि दोनों टोल प्लाजा मानक के अनुसार है। समस्या ये यहाँ पर है कि ये तो पहले लग चुका था, 13 में कब लगा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ भी धरना प्रदर्शन किया था कि 20 किलोमीटर के दायरे में जो कानून के अंदर में आता है कि लोकल गाड़ियों का छूट किया जाए, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने लगा दिया यहाँ पर अहरोरा वनस्थली महाविद्यालय के पास टोल प्लाजा इन्होंने अस्थायी लगाया। इनसे जब पूछा गया, हम लोगों ने वहाँ प्रदर्शन किया बार बार, जब इनसे पूछा गया तो बोले अस्थायी लग रहा है लीकेज रोकने के नाम पर। जब हमने बोला ठीक है लीकेज जब बंद होगा परसोदा पर, जब टोल प्लाजा आपका परसोदा के दूसरी मार्ती HN7 पर जो नेशनल हाईवे है उसकी दूरी 10 किलोमीटर है और यहाँ से वनस्थली महाविद्यालय का फतेहपुर से 22 किलोमीटर है, इतने रेंज पर जब आपने दो दो तीन तीन टोल प्लाजे लगा रखे हैं तो किसान यहाँ के मजदूर यहाँ के जो कार्यकर्ता क्या करेंगे, आपको टोल ही देते रहेंगे। और दूसरी कारण यहाँ पर है जो कि फास्टैग नहीं लगाया गया है यहाँ पर वनस्थली टोल पर, सबसे समस्या ये है। हम लोग अगर यहाँ टोल लेते हैं तो फतेहपुर वाले नहीं लेते और फतेहपुर लेते हैं तो यहाँ नहीं, तो ये लीकेज की वजह से। तो लीकेज के लिए एक जो किसान यूनियन है यहाँ के लगातार वो कह रहे थे कि लीकेज के लिए परसोदा में एक नेशनल हाईवे बन रहा है। नहीं, परसोदा अलग है, वो NH का टोल है और ये स्टेट हाईवे है, इसकी उससे कोई मतलब नहीं। लीकेज तो बंद हो गया ना, जिसकी जिस वजह से इसको लगाया गया था कि उधर के वाहन जो इधर से होकर निकल जाते थे या इधर से उधर निकल जाते थे उसी को रोकने के लिए तो इसको बनाया गया था, अब तो वहाँ लग गया है। तो वो NH है या स्टेट है, दोनों अलग है।